हेलो व्यूअर्स, वापस से हम आपके सामने आ चुके हैं प्रॉपर्टी गुरु ईजी पीजी की तरफ से एक नया एपिसोड लेके। तो आशा करते हैं कि जैसे आपने पुराने एपिसोड्स को प्यार दिया है, इस एपिसोड को भी प्यार देंगे। तो आज हमारे साथ प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में हैं लखविंदर सिंह जी, आरडी होम्स मोहाली से। लखविंदर सिंह जी अपनी जॉब छोड़ के अभी पीजी बिजनेस चला रहे हैं, पिछले काफी टाइम से पीजी बिजनेस चला रहे हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो आज हमारे प्रॉपर्टी गुरु बने। स्वागत है सर आपका। जी जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे मतलब आपने मंच पर इनवाइट किया। और जी सर, पूछिए क्या कहना चाहते हैं। तो सर, जैसे कि हम आज आप हमारे व्यूवर्स को पता है कि हम अलग अलग जो ओनर्स हैं उनकी स्टोरीज हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, कि उन्होंने पीजी बिजनेस कैसे चलाया, कहाँ से उनको इस चीज के लिए मोटिवेशन मिला, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि कहाँ, मतलब मोहाली में कहाँ से आपने ये स्टार्ट किया पीजी बिजनेस, कैसे कैसे शुरू किया। सर, जो अपना पीजी है वो सेक्टर 59 फेज 4 नियर मदनपुर चौक, यहाँ पे लोकेटेड है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है सर, आसपास की बहुत ही प्राइम लोकेशन, जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं पर है। और सबसे अच्छी बात, जो भी हमारे यहाँ जॉब करने आते हैं तो हमारा जो आईटी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भी नजदीक है, तो 3B2 ये फेस 4। तो सर, कहाँ से आइडिया आया कि जॉब छोड़ के पीजी बिजनेस किया जाए? सर, ये एक ना स्टोरी जैसा है जी सर, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका जी सर। बट ये है कि देखो, हाँ जी, बट ये है सर कि मैं फिरोजपुर में ही था, वहां पर जॉब्स वगैरह चल रही थी जी। बट आपको पता है कि ये थोड़े बड़े शहर हैं, फिरोजपुर जो है थोड़ा सा मतलब वो एक एग्रीकल्चर लैंड है ज्यादा, ये आईटी सेक्टर है जैसे, तो वहां पर ऑप्शन थोड़ी कम रहती हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत अच्छा था सब कुछ। तो यहाँ पर आना हुआ चंडीगढ़ आना हुआ, तो यहाँ पर जॉब्स की और ऑब्जर्व किया चंडीगढ़ को कि ये बहुत अच्छी सिटी है जी सर, है ना सर, यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ये वैसे डायरेक्ट भी आइडिया नहीं आया, बड़ा घूम फिर के ये एक आइडिया आया था। वही चीज सुनना चाहेंगे सर। जी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि भी जैसे बंदा सोचता है कि हाँ हमें बिजनेस करना है, बट इतना है, मैं शॉर्ट टाइम करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इतना है सर, जब ये आइडिया आया अचानक से ये चीज हुई, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बिजनेस ऐसा है, मतलब ये ऐसा है, लेकिन बेसिक्स मेरे क्लियर थे कि मैनेजमेंट क्या होती है, व्हाट इज मैनेजमेंट, क्योंकि आई वर्क इन इंटरनेशनल होटल, ओनली नेम है ना इंटरनेशनल होटल, नहीं यस सर, तो वहां पे काम किया है एज ए मैनेजर, ठीक है जी, तो थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस था, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम का भी एक्सपीरियंस रहा है जी सर, ऑफिस में काफी काम किया है, मतलब काफी चीजों का एक्सपीरियंस रहा है कि उनको बेसिकली पेपर वर्क क्या होते हैं ये सब चीजें, और मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ कुछ शॉर्ट तक क्लियर था। तो जब यहाँ पर ये चीज रही, तो यहाँ पर वो सब कुछ है ना, एक ही पैकेज में सब कुछ, मतलब आपको मैनेजमेंट भी देखनी है, आपको ये भी देखना है, आपको वो भी देखना है, हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर हमारा एक स्पेसिफिक काम होता है जितने से इतने बजे तक, है ना। तो ये जो पीजी लाइन है, जब इसमें एंट्रेंस हुआ तो मैंने देखा यार इसमें तो बहुत सारे काम है एक ही जगह पर, हाँ, जो हमें खुद ही मैनेज करने हैं। तो जब ये चीजें रही तो मैं आइडियाज लगाने लगा कि यार क्या करना चाहिए, थोड़ा इजी हो जाए ये काम, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, और देखो इसमें इंटेलिजेंट या नॉट इंटेलिजेंट वाली बात नहीं बनती, इसमें बनता है कि चीजों को स्मूथ के। तो तब ये चीजें रही, मैंने पहले नाम लेने चाहिए उन ऐप के जो यूज करें या नहीं, जरूरत है, मुझे लगता है कि ठीक है जो बेटर होता है जी। तो सर, अब मैंने ऐप्स इसके रिलेटेड यूज करी, तो उस टाइम मैंने देखा कि हाँ, मतलब ये आइडिया मुझे इस बेस पे आया कि इतनी सारी ऐप्स आती हैं जो हमारे काम को हैंडल करती हैं, जैसे टू डू लिस्ट, नोट्स वगैरह, तो मैंने एक आइडिया लगाया कि शायद कोई पीजी मैनेजमेंट ऐप भी हो जी सर। तो तब मैंने ये चीज स्टार्ट की, तो काफी सारी ऐप्स थी, मैंने काफी सारी यूज की हैं जी सर, बेसिक्स मुझे उधर से क्लियर होते रहे, लेकिन वो चीजों में कुछ कुछ ऐप्स जो क्रैश हो गई, ओके ठीक है, उनको उनको टाइम टू टाइम जैसे आप फॉलो अप ले रहे हैं या ये चीजों का, ये देखो कितना अच्छा है ये, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं था वहां पर, ओके
और अगर हमारा टीनेंट कोई वो पेमेंट करता है और उसकी पेमेंट नहीं होती है 2-3 लगातार में, तो आपका फॉलोअप उनको चला जाता है, आप कॉल आ जाती है आपकी तरफ से उनको, काफी टीनेंट्स ने मुझे बताई ये चीज़। तो ये कितनी अच्छी चीजें हैं। तो वो वहां नहीं थी बट मैं टाइम टू टाइम यूज कर रहा था चीजों को, क्रैश हो गई दूसरी ऐप डाउनलोड की उसमें डाटा डाला है ना, तो ये मतलब ये मोबाइल ऐसी चीज है ऑल टाइम हमारे पास रहता है, मैं बार बार अलमीरा खोल के पेपर खोल के नहीं देखूंगा इतना है ना जी सर, क्योंकि मुझे सर्विस भी बेटर करनी है वहां पर इसलिए। बिल्कुल तो जब आपका ऐसी चलते हुए जो मेरी दूसरी ऐप का से मतलब उसमें ना फॉलोअप नहीं मिल पा रहे थे, मैं चाह रहा था कि उसमें बहुत सारी चीजें और अपडेट हों वो, लेकिन इतनी अपडेटेड नहीं थी वो ऐप क्योंकि उनके शायद लिंक नहीं बन पा रहे होंगे या क्या प्रॉब्लम होगी मैं नहीं बता सकता ही शायद, तो लेकिन ये है कि वो चीजें अपडेट नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर जब ऐसी क्योंकि अब देखो मैं तो इजी करना चाह रहा था चीजों को और मेरी चीजें भी इजी के साथ बहुत बेहतर जुड़ी हुई थी इसलिए पहले से था इजी। तो वो क्या हुआ कि ऐसी मैंने एक ऐप डाउनलोड करी, पहले कुछ दिन मैंने वैसे ही चलाया, मैंने कहा यार ऐप का पंगा बेकार ही है ये, तो क्रैश क्रूश हो जाती है और इसमें सारा मेरा डाटा हिल गया तो ऐसे तो दिक्कत वाली बात है। तो फिर मैंने थोड़ा काम वर्क करना शुरू किया पेपर का, फिर मुझे लग रहा था कि नहीं यार ये ज्यादा लोचा है, थोड़ा सा वो ट्राई कर लेते हैं एक बार कोई अच्छी ऐप मिल जाए। तो ऐसा रहा, बीच में काफी सारी ऐप्स थी भी नहीं प्ले स्टोर पर पीजीज को लेकर, आपकी ऐप बीच में जब रिसेंटली ही आई उन दिनों में जब मैंने सर्च किया तो आपसे बात हुई। आपको ये कितना टाइम रह गया इजी पीजी? सर इजी पीजी को लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए है ना, और मेरे को लगता है मैंने तो बहुत स्लो स्टार्ट किया आपके साथ, बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ मैं संजीव सर के साथ, ऐसे सफर रहा है इन चीजों का। तो हमने वो चीज जब आपकी ऐप यूज की तो उन दिनों संजीव सर से ही बात हुई थी स्टार्टिंग में, उन्होंने मुझे अपने पीजी के बारे में रिप्रेजेंट किया, तो सॉरी इजी पीजी ऐप के बारे में उन्होंने रिप्रेजेंट की थी। तो मैंने मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ ठीक है करते हैं। मैं करना चाह रहा था लेकिन उस टाइम मैं ले नहीं रहा था, बहुत स्लो सिस्टम चलाया बहुत ही स्लो कि भी तो मैं देखूंगा आपकी ऐप डाउनलोड करी मैंने वो देखी उसमें चीजें मैंने देखी और मुझे ना ऐसा भी लग रहा था कि यार ये ऐसा ना हो कि ये वो मांग लें ये कर लें, समझते हो ना थोड़ा जी सर, मैं समझ रहा हूँ उसकी बात को। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने पीजी स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया सर आपको पीजी स्टार्ट किए हुए? पीजी स्टार्ट किए हुए ना मुझे ना मैंने 2018 के लास्ट में स्टार्ट किया। तो सर मतलब पीजी बिजनेस ही क्यों चुना आपने, एक और बिजनेस कर सकते थे? और बिजनेस ये मैं बता रहा हूँ ना डियर की डायरेक्ट वाला सिस्टम नहीं था, ये तो बस भगवान जी ने दिया सिस्टम, वो एक सर्कल चला। मैं कैसे बताऊँ आपको, पहले मेरा आइडिया है बिजनेस करना है कि यहाँ पर जब जॉब मैं कर रहा था चंडीगढ़ में तो मैंने देखा कि कंपनी जो है बहुत ज्यादा रोटेशनल होती है चीजें है ना, ये कभी सुबह बुला रहे कभी शाम को बुला रहे, तो मैं अपनी स्टडी को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कहा यार स्टडी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो पता नहीं लगता है रैंडमली शिफ्टें लगती हैं रैंडमली छुट्टियां मिलती है कुछ डिसाइड ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं स्टडी करने के लिए आया था यहाँ पर, एक्चुअली मैं रीजन ये था मेरा आने का। ओके। तो फिर मैंने देखा कि कुछ किया जाए, हम 2-3 कंपनी में अच्छी जॉब करी और वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। बहुत अच्छा सीखने को मिला, जैसे अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो ये कंपनी की बदौलत है। फ्री रहा 3 महीने और फिर मैंने मन बना लिया कि लखविंदर एक बार साइड हो जाते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, स्टडी को ना थोड़ा सा टाइम देते हैं। जी सर, जी सर। तो ये है। तो फिर क्या हुआ कि 3 महीने फ्री रहने के बाद तो मुझे लगा कि फाइनली बिजनेस करना चाहिए एक बार। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले बात है कि क्या करते हैं, वो कंपनी में ना कैंटीन खाली थी, वहां की बात चली मेरी स्टार्टिंग। और फिर ऐसी करते करते उनके साथ नहीं कोऑर्डिनेट बना, चीजें नहीं सही ढंग से आई, तो फिर मेरी किसी ने मेरे ब्रदर हैं भुआ जी के बेटे, तो उन्होंने सलाह दी कि यहाँ पर है किंग बर्गर वाले, उसकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं। तो फिर वो वहां से ना ऐसी में लेटा हुआ और अचानक से मैंने वो खोला ओलेक्स, क्योंकि पूरा माइंड 1-1.5 महीने से बिजनेस करने के लिए ही चल रहा था। तो ऐसी रहा, बेसिक्स क्लियर थे, तो मैं ओलेक्स सर्च कर रहा था तो अचानक से मेरे बजट में एक पीजी मुझे दिखा।
तो भी वो सेल हो रहा था पीटीएम, तो वहां जब उनसे मैं मिला और उन्होंने मेरे से जब उस टाइम बात की तो वो बहुत ही बढ़िया से ढंग से बात हुई हमारी, और इतने साल ही उनको मैंने टोकन मनी पकड़ाई, चलो ठीक है कि हम कहीं पर एक पॉजिटिविटी जुड़ जाती है ना, तो वो चीजें मेरी उनके साथ एक अलग एनर्जी का एहसास होता है जब एक नई चीज स्टार्ट करते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है। जी जी जी, थोड़े दिनों बाद और बहुत सारी चीजें स्पाइरल थी अनिल सर। वही सर, मैं वही पूछना चाहूंगा, जब 2018 में स्टार्ट किया तो 2018 में और 2021 की मार्केट दोनों अलग अलग आ चुकी। जी जी, तो 2018 में क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपको फेस करने को मिली? चैलेंजेस एक तो होता है ना कि खुद के पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, यार ये सामान कहाँ से मिलेगा या ये चीज कहाँ से होगी, चलो ये हम कैसे मैनेज करें, सबके नाम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ऐसे कुछ तो डाटा उन्होंने दिया ही था मुझे, मैंने रीड किया था उनको, बट वो भी फ्रेशर ही थे, उन्होंने भी थोड़ा टाइम के लिए चलाया कुछ 6 महीने साल और उन्होंने बस अपने आगे दे दिया। तो इस पीजी में ना सबके लिए बहुत सारे टास्क थे, बहुत सारे टास्क, तो बैक टू बैक ना 1 साल 2 साल के अंदर बैक टू बैक बंदे ओनर चेंज रहे हैं इसमें। जब मैंने फाइनली लिया तो तब मुझे पता लगा कि वो क्या रीजन थे। तो आपने कितने साल चलाया वो पीजी? अभी देखो, अब मुझे उसको कम से कम देखो ना, आप 2018 से आप उसी पीजी में अभी लास्ट। जी जी जी, चैलेंजेस आपने चला रहा हूँ और 1 साल तो कोरोना भी बीच में बिल्कुल करे, बिल्कुल करे, और वो चलेगा ना, टाइम हमारे पास लिमिटेड है या चल रहा है? नहीं नहीं, टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, टाइम की कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब इंटरव्यू का कभी टाइम तो नहीं है ना कि नहीं, नहीं, नहीं चलेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी कहानी खत्म होती है, जब तक आपकी ये स्टोरी लोगों तक नहीं पहुंचती, तब तक हम ये चीज चलाते रहेंगे, क्योंकि सबको जानना जरूरी है। आपने चैलेंजेस फेस किए, लोगों को पता होंगे तो कल को वो दूसरे लोग उन चैलेंजेस को सही से टैकल कर पाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया अनिल सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि और मैं इस लायक बन सकूं कि शायद कोई सही चीजों को सही मैनेज और सही दिशा उसको मिल जाए। जी सर, जो हमें बिल्कुल बहुत झटके खा के मिली है ना, वो झटके तो, हाँ जी जी जी, झटके झटके वाले ही है, सही है, आज आप ना बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, इसका भी समझा मैं। नहीं 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 सर, मैं आपके साथ ना स्टार्टिंग से दिल से जुड़ा, क्योंकि देखो उस टाइम जो आपका नोट भी आया ना, उस नोट पे ना मुझे पॉजिटिविटी मिली। अब वो देखो, मैं अब वो उस बंदे की बात नहीं कर रहा जिन्होंने वो नोट लिखा होगा, वो जो बिल्डअप कर रहे हैं, और आप भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा। झटकों पर थे सर, क्या झटके स्टार्टिंग में आपको लगे? सर ऐसा है, झटके जो झटके लगे ना, वो मेरी गलती नहीं थी, वो वहां पर आने वाले पहले मैनेजमेंट वाले लोग जो मैनेजमेंट संभालते हैं जी सर, उन लोगों की वो पीजी की जो लेगेसी है ना सर, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, मैं आपको पिछला और अगला सारा एक्सपीरियंस करूंगा क्लियर, कि जो पहले मेरे डाउट थे वो अभी क्लियर हुए, जो अभी चीजों को अपडेट करना है वो हम आपके साथ मिलके भी आगे मैं करने की कोशिश करूंगा, और अपना भी एक अपना पर्सनल चीजों को भी आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सर, तो वो सब चीजें जो थी उस टाइम ना, ऐसा था कि पीजी की जो लेगेसी है ना सर, बंदे को बोल लो कि कॉल आती है जैसे पीजी है या कुछ, आज से पहले जब मैं अपना कंसेप्ट आज बताता हूँ तो बहुत सारे लोग प्रेज अच्छा करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं यार आप ये ऐप बहुत अच्छी यूज कर रहे हो, ठीक है, ये ऐप वाला ये सिस्टम, ये कैशबैक, ये वाउचर्स, और ये जो आप हमें मैं सब बताने की कोशिश करता हूँ जो आप मुझे भेजते हो। जी सर, ठीक है ना, हाँ, और ये जो आप मेन्यू देख सकते हो वन टाइम में, हफ्ते में एक बार सारा कुछ मिलेगा, तो ये चीजें आज क्लियर हैं, उस टाइम क्या था वो चीजें उन्होंने उनको नहीं दी, एटलीस्ट मैनेजमेंट भी नहीं दी। जी सर, ठीक है ना, उनको टाइमली खाना नहीं मिल रहा है, उनको ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं, या फिर वहां पर और कुछ या है ना, तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। जब मैंने लिया वो पीजी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम की एक चीज, हम न्यू स्टार्ट करते हैं लेकिन वो मुझे चलता हुआ पीजी मिला है ना, चलती हुई गाड़ी में मैंने मतलब एंट्री की, तो वो कितनी रेस पे दौड़ रही थी, उसमें ईंधन कम था, ज्यादा था, कुछ चक्के खराब थे उसके, मतलब सर्विस होने वाली थी, समझ रहे हो? जी सर। और जब वो मैंने एक्चुअल में हैंडल पकड़ा उस गाड़ी का, मुझे पता लगा कि भैया गाड़ी बहुत टाइम से इसकी सर्विस होनी बाकी है, और उस गाड़ी ने मुझे बहुत तंग किया। चीज हुई जी, तो ऐसी सरप्राइज थे जब स्टार्टिंग करते हुए, और वो सरप्राइज गिफ्ट जब मिलते थे उनको शॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में बहुत मजा आया। ओके, ठीक है ना सर, उसमें चीजें
तो हम बात कर रहे थे कि जब फर्स्ट टाइम में वो जब वो चीज थी और सारा कुछ को मुझे क्या फर्स्ट सरप्राइज ये मिला, जब मैनेजमेंट के बेस पे मेरे को ये लगा कि यहाँ पर बॉक्स लगा देने चाहिए अलमीरा पे, तो जहाँ पर राशन का सामान रखा होता है हमारा, तो वो लोग मैंने लगाए तो अगले दिन वो मुझे खोले हुए मिले। और मैं अगले दिन आकर देखता हूँ और मैंने कहा यार ये क्या है भाई ये मतलब ये क्या चीज है, ये तो मुझे मेरी समझ से बाहर थी। बट मेरा जो इंटरनली एक पॉइंट था जो वो मिस हुआ मेरा फर्स्ट टाइम में लाइफ, मुझे ये था कि मैंने जॉब से इतनी तैयारी करी तो ये मेरी पहला काम था है ना, बिजनेस मेरा पहला बिजनेस था, तो वो जो बॉयज रनिंग रनिंग चीजें मुझे मिले तो वो मेरे लिए स्टार्स थे। तो मैं चाह रहा था कि वो मैं अच्छे से मैनेजमेंट दूंगा, मतलब अच्छी सर्विस दूंगा जी सर, ये मेरा अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन वो उस लायक बन नहीं पाए, या ये कह लो कि मैं उस टाइम उस लायक जल्दी जल्दी नहीं बन पाया, तो वो लोग खुले मिले और मैंने कहा भैया ये कैसे डील किया जाएगी, तो लोग टूटे पड़ेगा और ये कैसे हो सकता है कि लोग तोड़ने, मतलब मैंने मेरे को लगा ओके ये चाहते हैं कि यहाँ लोग ना लगाए, तो मैंने कहा अगर लोग नहीं आए तो इट मीन्स ये अपनी चीजें भी यूज कर रहे होंगे है ना यहाँ पर, वो चीज भी यूज कर रहे थे ना क्योंकि उनको पहले खाना नहीं मिलता होगा या कुछ चीजें नहीं होंगी तो अपना बनाते होंगे क्योंकि उनका कुक नहीं आ रहा होगा, या सब कुछ चयन होती है ना सर। बिल्कुल सर, उनके कुक थे कुक वो भी भाई ड्रंकर थे, वो भी पीकर आ जाते थे, एक दिन पीकर आए हुए काम पर और वो हिले हुए और मैं देख रहा कि यार ये क्या चक्कर है, रोटियां कहाँ जा रही हैं आज। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा आप बैठ जाओ ठीक है अभी काम नहीं करना है। तो मैंने स्टार्ट की कुछ मैंने वहां पर बनाई, एक्सपीरियंस था मुझे पीजी बनाने का, तो मैंने वहां स्टार्ट की। उस दिन मैंने मतलब कोशिश की, बेहतर दिया अपना, और मैंने कुक को बोला कि ये चीज मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए, देखो आपकी पर्सनल लाइफ है आप खाओ पियो मजे करो, लेकिन काम के बीच में मतलब हम काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऑल टाइम। तो वो अब आपको पता है कि सब कुछ पिछले बेस के बेस पर है, इसलिए मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था चीजों का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया, नए सिरे से शुरू नहीं किया था, बीच में लिया था, बीच में लिया था। तो तब मुझे मैनेजमेंट को बीच में करना पड़ा, बहुत सारी चीजें थी, जब नया कोई लड़का आ जाना तो उनको होता था कि बस उनको ये था कि हम रह रहे हैं यहाँ पर तो हम अपनी मर्जी से अपने रूल्स के बेस पर रहे। तो मैंने भी उनको समझाया कि आपके हिसाब से ही होगा सब कुछ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। तो ये वाला एक सीन चल रहा था उनके साथ, ये और बेड कई बार टूटे मिले, एक बार बेड ही टूटे मिले, मैंने कहा यार तीन बेड एक साथ कैसे टूट सकते हैं, समझ रहे हो आप बिल्कुल क्या चीजें थी वो चाह रहे थे। वहां पर अब एक मैनेजमेंट आ गई थी, जब वो चीजें कंट्रोल कर रहे थे हम, तो उनकी वो चीज हिल रही थी, मैं उनको उन्हीं के हिसाब से देना चाहता था सच में नील जी, लेकिन एक डिसिप्लिन वाली चीज आप ला रहे थे बीच में मतलब। जी जी, और उनकी जो उनकी भी बातें थी उन्होंने ही बताई थी मुझे कि खाना नहीं अच्छा मिलता है, मतलब यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, खाने के ऊपर ही काम कर, साफ सफाई नहीं है, वॉशरूम गंदे हैं जी। ये सब चीजों पे मैंने आज मैं काम कर चुका हूँ पूरा, उनपे अब मैं पूरा चल रहा हूँ ठीक है ना, मुझे समय चाहिए था ठीक है, बीच में कोरोना भी आ गया ठीक है, तो सही ढंग से तो एक ही साल बिजनेस रन कर पाया, तो बाकी के 1.5-2 साल तो कोरोना जी ले गई। वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि एक एक आदमी जो जॉब छोड़ के एक बिजनेस में स्टार्ट हुआ 2018 में और 2020 में कोरोना आ गया, क्या मतलब क्या जब कोरोना आया क्या कैसा सा लगा, मतलब क्या माइंडसेट था आपका उस समय कि कोरोना आ गया और आपका बिजनेस बिल्कुल हुआ, तो कैसे आपने उस चीज से कोप अप किया? इस बात पे मैं पहली चीज एक बताना चाहूंगा नील जी, जो आपने आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले, मैं मेडिटेशन करता हूँ ठीक है, अभी कम हो गया जब से पीजी खोला है ना तब से मेडिटेशन से दोस्ती कम हो गई क्योंकि आज मैं यूज करता हूँ आपकी ऐप, और जब मैंने स्टार्ट की थी तो आपने कितना अच्छा उस पर अपडेट किया, मतलब ये मैं देखो अपनी जो बात कहना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड आपकी भी आ गई बीच में कि उससे देखो आप अपडेटिंग हुई ना वो चीजों की और अभी हम सामने बैठे हैं, तो ये कितना अच्छा अपडेट है जी सर, ये हम आप हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हो जबकि मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया आपके साथ, बिल्कुल मैंने तो अपना ऐप लिया और मैं उस पर कर रहा हूँ काम, तो आप कितना अच्छा कर रहे हो कि आप वो सर्विस देने की कोशिश कर रहे हो हमें,
वो भी हमें आप टाइम देते हो, टाइम नहीं है नहीं सर, हमारा तो मोटिव ये है कि इंडिया का हर पीजी ओनर अपना पीजी एक ऑटोमेटेड तरीके से चलाए, कम से कम टाइम देना पड़े और एक पैसिव इनकम जी जी, तो हमारा मोटिव है, तो हमारे लिए आप स्टार हैं जी जी, ये बहुत अच्छा है और सच में आप मेरे लिए डबल स्टार हैं, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि देखो सर यू आर डूइंग समथिंग फॉर अस, ठीक है ना सर, तो मेरा फर्ज बनता है आई विल डू समथिंग, क्या आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, आप जैसे भी चाहेंगे तो मैं वैसे उन चीजों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा और ठीक है दी बेस्ट है मतलब सभी, तो मैं ये चीज इसी बात पे कह पा रहा था क्योंकि जब मैं भी कर रहा था तो होली होली उन चीजों को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, मजा ही आ गया जी सर, मैं सच में लिटरली मजा ही आ गया कि हाँ यार एक चीज ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा ना 100 काम नहीं संभाल सकता है, लेकिन है ना तो उसके लिए टाइम तो उन चीजों को चाहिए चाहिए होता है, क्योंकि लोग भी जुड़ेंगे तो बेस्ट होगा। कोविड आया कोविड के बाद से अब क्या था कि एक नई शुरुआत करनी थी, एक नया स्टार्ट देना था, वो नया स्टार्ट कैसे दिया आपने, मतलब आपको पता है बिजनेस बिल्कुल डूब चुका था, वो कहां से मतलब क्या हाँ, क्या चीजें आपने करी बिल्कुल कोविड के बाद। मैं आपको वही बताता हूँ, जब ये मैं ऐसे था कि उस टाइम जब स्टार्ट ही किया था अभी बसेस भर के भी आ रही थी हिमाचल यूनिवर्सिटी की, बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, ठीक है बच्चे स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान था मेरा कि मैं स्टूडेंट्स रखूं भरूं ज्यादा से ज्यादा भरूं, बस मुझे ये रहता खचा खच पीजी भर दूं लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मैंने हमेशा स्पेसफुल एरियाज रखे हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि सर्विस बेटर दी जाए बजाय खचा खच भरने के जी और वो आपकी ऐप से मुझे बहुत अच्छी हेल्प भी मिली, मतलब क्वालिटी में विश्वास रखने लगा है, क्वांटिटी आपने नहीं जी 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 क्वालिटी फर्स्ट कर दिया जी 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 क्वालिटी हाँ जी जी क्वालिटी, लेकिन आपका हेल्प मिला मुझे जैसे अभी मिला ना ये तो दी बेस्ट रहा, ये मैं ना आपको पहले से कहना चाह रहा था, मन मेरा कहता था कि यार इजी पीजी बेस्ट है, मतलब मैंने जब लोगों को बताता हूँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सर आपको, ऐसी बात नहीं है आप हमें कुछ दे रहे हो वो उसमें हमारा भी बेनिफिट है लेकिन ठीक है ना, लेकिन देखो ना आप कोऑर्डिनेट भी रख रहे हो ये तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है बिल्कुल, तो इस तरह से था सब। तो जैसे ही कोविड वाला सिचुएशन बना तो जब जिस टाइम कोविड वाला सिचुएशन बना मैंने आपको बताया था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, उससे मैं शांत रहता हूँ, ठीक है जी उस समय ही अपनी इजाजत दे देता है कि मेरी गर्म होने का, लेकिन मोस्टली चीजें मेरी कूल ही रहती है, अब कूल ही रहते हैं क्या जाता है सर अगर कोई सुना भी रहता सुन बोलो एक बार बिल्कुल, इसी में से तो बातें निकलती हैं और इसी में से उनकी पॉजिटिविटी निकलती है, अगर कोई मैं चाहता हूँ मुझे अच्छा लगता है कि कोई नेगेटिव बोलता है, जब वो नेगेटिव बोलता है तो वो चीजें रिफॉर्म होने के लिए बेहतर होती है, अगर सब हमें पॉजिटिव 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 बोलते रहेंगे या आप अच्छा कर रहे हो बताएंगे नहीं, मतलब मुंह पे बोल दिया अच्छा कर रहे हो और मन में रखिएगा तो वो जो है हम रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो ये इस तरह से है। जा रहे थे कुछ का ये था आइडिया कि नहीं पता नहीं कोरोना ये तो 10 दिन ही बंद होगा, महीना बंद होगा जी, ऐसा तो आइडिया था ही नहीं कि किसी को इतने टाइम तक चलेगा जी जी जी, तो ऐसे चलते चलते कुछ एक बच्चे रह गए और जो दूसरा पीजी था हमारा वहां गर्ल्स थी वो तो सभी चले गए, तो गर्ल्स चली गई थी वो तो पीजी हो गया था भैया बंद, ठीक है ना, और चीजें हो गई थी क्लोज वहां पर, तो वो मेरी सिस्टर ने अभी स्टार्ट ही किया था ना, मेरे को देख के ही पीजी देखो अरे अपने बंदों के ही मिलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, पीजी बहुत अच्छा पीजी मुझे इसकी लेगेसी और मैनेजमेंट पे काम नहीं किया जा रहा है, रोला ये है इसकी जो लेगेसी है लोगों ने पैसा कमाया होगा अच्छा सिर्फ कमाया लगाया नहीं मैनेज कर, हाँ जी सर ठीक है ना, और ठीक है अगर मैनेज नहीं किया तो आप भी ना आते, था ही आपका आना था इसलिए ठीक है ना लेकिन अगर हम आज अपना बेस्ट नहीं देंगे तो बेस्ट ही नहीं देंगे तो फिर बेस्ट क्या होगा कल जी सर, फिर तो सारा कुछ नीचे ही गिरना है, हाँ जी है ना, तो अगर हम आज अपना 100% देंगे तो कहना कहीं भाई 20-30-50% तक तो अटकेगा बिल्कुल कहीं ना कहीं तो हम बचे रहेंगे जी सर, तो ऐसी ही उस टाइम बची चीजें परसेंटेज से। आपको कोरोना के बाद कोविड के बाद हमारी ऐप के बारे में पता चला? कोविड के बीच में पता चला, ओके कोविड के हाँ बीच में मैं आपके साथ कनेक्टेड हुआ था, ओके मुझे याद है उस दिन लॉकडाउन था मैं गार्डन में बैठा आपकी ऐप संजीव सर से बात हो रही थी मेरी, तो आपको ऐप के बारे में संजीव सर ने बताया कहाँ से पता चला आपको?
मैं बता रहा, मैंने जो आपको बताया कि मैं इस पे काम पहले से कर रहा था। अच्छा। चीजों को मैं भी स्मार्ट करने के लिए आपकी तरह निकला हुआ हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो मेरी भी कोशिश है कि यार कोई भी चीज हम दे रहे हैं तो उसको मैनेज किया जाए अच्छे से। जी सर। काम करना है तो दिल से करो ना यार, उसका रिजल्ट क्या आता है वो तो आप बाद रिजल्ट बेस्ट आएगा सर, दिल से काम हो रहा है तो जी जी बेस्ट रिजल्ट। जी जी, मैंने बहुत अपडेट किया सर पीजी को लेके, चीजों को लेके, कि कैंप कंफर्ट कैसे रहना चाहिए, बंदा हर हर एक बेड के पास एक मतलब ये अपना प्लग लगाने वाला मोबाइल लगा सके, पहले ये लगाए, फिर मेरे माइंड में ये आया कि यार इसके नीचे भी कुछ लगा देते हैं ताकि अपना मोबाइल रख भी सके, ठीक है ना? तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी माइक्रो चीजों पे मैं काम करता रहता हूँ खुद भी। मतलब कहता हूँ कि हमारा जो पीजी है सर, वहाँ बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, वो नॉइस लेस एनवायरमेंट है, स्टडी ओरिएंटेड एनवायरमेंट है, स्टडी वर्क ओरिएंटेड एनवायरमेंट। तो मैं ये इसलिए बोल पाता हूँ कि ये सारे पंगे लिए खुद माइक्रो, और जो और जब ये कोरोना टाइम था ना सर, मानो मैं भी स्पीशियस टाइम होता ओल्ड टाइम, इसने सिखाया कि क्या होना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। अभी कैसा चल रहा है सर पीजी, मतलब अभी बिल्कुल सही है या फिर कुछ बच्चे अभी? जी जी जी, अब चीजों में बेहतरी है पहले से। अब जैसे पीजी अब 2 महीने तो हुए, 2-3 महीने सही ढंग से जो चल रही है, लेकिन अभी तीसरी वेव का भी एक तरह से डर बना हुआ है। और लेकिन अभी मैं रेडी हूँ, तीसरी वेव में मुझे क्या करना है मैंने ये प्लान किया हुआ। जी सर, मुझे तीसरी वेव के लिए भी रेडी रहना चाहिए। रेडी हम सर बज गए अपने पास तो पता नहीं चला अपने को, बातें इतनी अच्छी अच्छी मजेदार किस्से थे, तो आगे भी आपसे ऐसी बात करते रहेंगे, आगे कुछ नए किस्सों के साथ आपसे जुड़ेंगे। आज हमारे व्यूअर्स को आपने काफी चीजें बताई होंगी जो उनको आगे इन फ्यूचर फेस करनी है, या कोई नया बिजनेस पीजी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको भी अगर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको देख के सीख सकता है, जो झटके आपको लगे वो झटके उनको नहीं लगेंगे। थैंक यू सर आज हमारा प्रॉपर्टी गुरु बनने के लिए और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।